मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से ध्यान किया है इन्होंने। हाँ रोज ही करते पनवेल जी। हाँ जी ने बहुत हो गई ना आज, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही अच्छा। और मुझे तो बीच में ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई हो। अरे बाप रे, बहुत अच्छा लगा बहुत ही। और जो आप वो गाती है ना बीच में, जब तब तो लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लास्ट में तो मेरे आंख में से ऐसे आंसू जैसे आने लग गए थे। अच्छा बहुत सुंदर लगा। दोनों पति पत्नी मिलके जब धर्म करते हैं तो निश्चित ही स्वर्ग, अच्छे स्वर्ग में स्थान मिलता है। पंचम काल में एक साथ पति पत्नी बैठ के मेडिटेशन कर लेना, पूजा तो कर भी रहे हैं लेकिन ध्यान करना आसान बात नहीं है। कि पहले तो ध्यान जैसे ही आप करवाती थी ना शुरू शुरू में 2 साल पहले, तो मैं तुरंत उठ के चली जाती थी किचन में। अच्छा, कि मेरा मन ही नहीं लगता था। पता नहीं क्या क्या बातें मेरे दिमाग में आती रहती थी, आप क्या बोल रही है, क्या समझा रही, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, इतना अच्छा दीदी करवाती है, सब लोग इतनी तारीफ करते हैं। फिर मैंने मन को एकदम दृढ़ कर लिया कि नहीं मुझे अब बैठना ही है। फिर आपके ध्यान मुझे अच्छे से समझ में आने लग गए और एकदम शांति मिलने लग गई एक तरह से। और स्वभाव तो बहुत ही बदला है, हमारी लाइफ बदल दी है दीदी आपने, सच बोलती हूँ मैं, एकदम बदल दी है। मैं कभी 7:30, 8, 7 के पहले कभी उठती ही नहीं थी। पहले जब बच्चे छोटे थे तब उनके सारे काम करने के लिए उठती थी, लेकिन फिर जैसे ही वो बड़े हो गए, शादियां हो गई, फिर मैं आलसी जैसी हो गई थी। अच्छा, लेकिन आपने ना ये 2-3 साल में तो हमारी लाइफ सच्ची में बहुत बदल दी है, बहुत। देखिए कितना सुंदर एक्सपीरियंस हमारे सामने आ रहा है। पनवेल साहब आप भी कुछ बोलिए भाई साहब। हाँ ये थोड़ा कम बोलते हैं इसलिए एकदम से आते नहीं है, लेकिन बैठते रोज है। बोलने लगेंगे, गोमटेश जी तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, अब तो कितना बोलने लगे कि शुरुआत भी वही करने लगे। जय जिनेन पनवेल जी बोलिए। जय जिनेन दीदी, बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ध्यान सुन के। थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आप लोगों ने दिया आज दोनों ने। पंक्चुअल हो गई है, पहले भी थे ये पंक्चुअल तो, लेकिन अब तो इतने ज्यादा पंक्चुअल हो गए, एक दिन भी आपका मिस नहीं करते हैं, डेली बैठते हैं, डेली कुछ भी हो जाए, भले 15-20 मिनट यहाँ वहां हो जाएगा, लेकिन नहीं उनको बैठना है तो बैठना ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करवाते हैं दीदी आप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग के एक्सपीरियंस सुनकर हमको भी, हमारी एनर्जी यही है। इनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मैंने शायद विनय भैया को एक लेटर भी लिखा था बहुत सारा लंबा चौड़ा, क्योंकि मैं शुरू शुरू में बोल नहीं पाती थी, तो हम लोग कभी अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, मुझे तो हैंड रेस कैसे करते हैं लैपटॉप में वो भी नहीं आता है, तो मैं खाली बैठी रहती हूँ। तो मैंने लेटर लिखा था अभिनय भैया को, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेटर है, यदि हो तो वापस डाल दीजिए, अभी छोटी बुक छप रही उसमें डाल देते हैं। हाँ है ना, है मेरे पास। डाल दो वापस या उसको और अच्छा सुधार के डाल दो, कि 24 शंकर सिंबल की एनर्जी हम ले रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये और लिख सकते हो आप अपना एक्सपीरियंस। और अभी बुक छप रही है उसमें डाल देते हैं आपका लेटर, फोटो दे दो आप दोनों की, फोटो भी दे दो आप दोनों की। हाँ ठीक है, इनके तो लीवर दोनों भी आधी आधी खराब है दीदी। इनकी लीवर और किडनी, दोनों किडनी आधी खराब है और लीवर भी आधा खराब है इनका। तो 14 साल हो गए, लेकिन जब से ये हम लोग ने शुरू किया है ना, तब से ना तो हम डॉक्टर के पास गए और कुछ नहीं। इनका जो क्रिएटिनाइन है वो भी बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम भी होने लग गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बता दिया आपने एक्सपीरियंस। हाँ मैंने ये सारा लेटर में पूरा डिटेल लिखा था मैंने विनय भैया को। देखती हूँ, नहीं तो आप वापस डाल दो यदि हो आपके पास तो। क्रिएटिन कम हो जाना मेडिटेशन से ये बहुत बड़ी बात कहलाती, इतनी जल्दी डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पाते क्रिएटिनाइन को। और मेरे टेल बोन में 14 साल से मेरे को भी प्रॉब्लम थी टेल बोन में, उठते बैठते समय मेरे को इतना दर्द होता था, लेकिन मैंने उस दर्द में जीना सीख लिया था। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे आपके मेडिटेशन और ये सब में बैठने लग गई ना सेशन में, तो पता नहीं वो कब ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा।
उनके बातों पे विश्वास भी नहीं था शुरू शुरू में, बोला मंत्रों से कभी ठीक होता है क्या, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठ जाते थे। धीरे 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 जब एकदम सडन एकदम मुझे ध्यान आया कि अरे ये क्या हुआ, आजकल मैं उठती बैठती हूँ तो मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। अच्छा। कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो अब मुझे समझ में आने लग गई कि अपना जैन धर्म कितना साइंटिफिक है, वो हम लोग अब समझ पाए हैं इतनी उम्र के बाद में। काश आप हमें पहले मिले होते। समय से पूर्व कुछ नहीं होता, जब समय आता है, पुण्य का उदय आता है तो सब हो जाता है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से चल रहा है, उनके ही आशीर्वाद से हम सब इतना कर पा रहे हैं। और आपको भी बैठने का मन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस एज में मतलब अपने मन को समझा के बैठना। ध्यान शुरू होता है, किचन में भग जाती थी, फिर सवाल आना कि मैं ऐसा क्यों कर रही, यानी आप अपने मन से बात कर रहे हो, खुद से खुद की बात। एक बार मैंने मेडिटेशन भी लिया था, खुद से खुद की बात, खुद से खुद की बात करना बहुत बड़ी बात होती है, कि आप अपने आप से बात कर रहे हो कि हे मन तू क्यों भाग रहा, उस चंचल मन को आ बैठ। इस प्रकार का आपको सजेशन आप दे रहे हो कि तू कहाँ भाग रहा है, आ बैठ यहाँ झूम पे, उसको मन को कंट्रोल करके। सिर्फ नमो रेखा था दीदी और भक्तामर में पढ़ती थी शुरू से, लेकिन रोज नहीं पढ़ती थी, लेकिन मुझे पढ़ना आता था, लेकिन बस पढ़ लिया उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है कुछ भी नहीं समझ में आता था। मेरे पास में एक किताब थी, मुझे मेरे जिया जी ने दी थी, तो मैं वो कई बार लेके बैठती थी, 15-20 साल पहले उन्होंने दी थी मुझे, तो वो भक्तामर की किताब बहुत बार लेके बैठती थी मैं, उसमें जो यंत्र बने हुए हैं वो सब मैं देखती थी, मैं पढ़ती थी, मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आता था उसका, फिर मैं उसको उठा के फिर रख देती थी, बोला ये क्या है, कुछ भी तो समझ में नहीं आता इसमें, फिर बिना गुरु के ज्ञान कौन देगा, कोई एक्सप्लेन करने वाला तो होना चाहिए। सही बात, आप शाम की क्लास में भी बैठ सकते हो 8 बजे वाली। मैंने आपका भक्तामर का अटेंड किया ना दीदी, मैंने शुरू में ही। हाँ, शुरू में कर रहे हो आपने। हाँ, शुरू से कर रही हूँ मैं, फिर आपने जैसे ही बताया कि ये भक्तामर का हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी भक्तामर का क्या है अपन सीखते हैं। फिर ट्रेनिंग में जब आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था 28वें श्लोक के बारे में, वो क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं आया, उस दिन मुझे इतनी गिल्टी फील हुई ना दीदी, बोला आज मैं 60 के ऊपर हो चुकी हूँ और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, कितनी बुरी बात है। आप सबके साथ में बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कोई बात नहीं है कि झूम पे आप अपनी गिल्टी बता रहे हो। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, बोला अपन ने क्या किया 60 साल तक, अपना जैन धर्म अपने को कुछ भी नहीं आता है, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, जो अपने दादा दादी माँ बाप सब करते थे। तो हम ठीक है मंदिर गए, दर्शन किया, आ गए, हो गया, लेकिन जो अंदर से जो वो अब जो लगन लगी है ना कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। शुरू शुरू में मुझे ना आदिनाथ भगवान के ऐसे लंबे लंबे पैर दिखते थे, जब आप सेशन लेती थी ना ट्रेनिंग में, तो ऐसा लगता था सच्ची में मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, ऐसे फूल गिर रहे हैं क्या। रात को मुझे नींद नहीं आती थी कई बार। अच्छा, ऐसा बहुत बहुत फीलिंग हुई, मतलब लाइफ तो सच्ची में बहुत बदल दी दीदी आपने। आपके मन मन में वो सब चलने लगा, और जिसके मन में मेरे मन मन में चलने लग गया। हाँ, जिसके मन में तरंगे लगने लगी उसकी लो प्रभु से लग गई समझो। फिर आपने तत्वार सूत्र शुरू किया, तो मैंने तत्वार सूत्र, मुझे एक अक्षर नहीं पढ़ना आता, अब क्या करूं। फिर बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, पढ़ना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। फिर मैंने सीखा, यूट्यूब पे देखा, फिर जब मैं गा गा के बोलने लग गई तो मेरी पोती अनाशा वो मेरे से आगे निकल गई। अच्छा। तो इतना सुंदर तत्व सूत्र बोलती है कि पूछो मत। अभी आजकल उसको चौथे अध्याय का बीच में सूत्र कभी मैं पूछती हूँ तो वो बोल देती है। मुझे आज भी किताब लेके बैठना पड़ता है, मुझे अब याद नहीं होता है दीदी, नहीं होता है दीदी, पता नहीं, मैं बहुत सोचती हूँ याद कर लूँ। इनको भक्तामर नहीं आता था, इन्होंने पूरा वायर्ड कर लिया, मैंने सिखाया है। नहीं, तत्वार सूत्र देख के भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख के ही पढ़ती हूँ, तो
तो वो मैं भूल जाती हूँ कभी, फिर मैं उसको बीच में पूछती हूँ मेरी पोती को, तो वो मुझे बताती है दादी अभी अगली लाइन ये आएगी। अच्छा अनायशा 4 साल की दीदी और उसको कंठस्थ है पूरा, पहला अध्याय मैंने उससे कई बार ही सुना है और बहुत सुंदर बोलती है बिना देखे। उसको लिपि ज्ञान तो अभी इतना नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छा बोलती है, कई बार सुना पढ़ने का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फायदा अनायशा का हुआ। हाँ बहुत बढ़िया बोलती है, एक छोटी बच्ची ने तत्वार सूत्र 4 साल की बच्ची ने सीख लिया, ये बहुत बड़ी बात। और बिल्कुल शुद्ध बोलती दीदी, उच्चारण एकदम सही उसका, इतने सुंदर बोलती है वो। अपन एक दिन सुनेंगे, अभी ये हो जाते 4-5 वो बच्चे ध्यान अपने। सरिता जी बहुत देर से कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, सरिता जी आप बोलिए, आपका नंबर नहीं आ रहा। जय जिनेन दीदी, चरण स्पर्श दीदी। दीदी आज का जो ध्यान था वो तो बहुत सुंदर था ही, दूसरा ये है कि जो आपका ज्ञान है वो इतना ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं। कुछ हम साधु साध्वी, मैं माफी चाहूंगी बोलना कि कुछ हम साधु साध्वियों से भी मिलते हैं तो उनके पास भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान आपके पास। और आज जब आपने ये हमें ध्यान करवाया, मैं वही बोल रही थी कि हमारा तत्वा सूत्र का भी रिविजन हुआ, इतना बढ़िया ध्यान रहा, तत्वा सूत्र का भी साथ साथ रिवीजन होता रहा। और मैं तो बहुत लकी अपने को महसूस करती हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाती क्या करती मालूम नहीं, मंदिर वगैरह बहुत दूर रहते हैं, महाराज माता जी का सानिध्य इतने आराम से मिलता नहीं है, तो आपके साथ जुड़ के मेरा भी जीवन बहुत बदल गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप हमेशा एक अच्छी नई नई चीजें हमें देती रहती हैं, आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत बहुत मैं अनुमोदना करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपकी क्रिएटिविटी और बढ़े, हमें आपसे और भी ज्ञान मिले। सरिता जी आपके लिए काम है, हाँ बोलिए। आपको लाल मंदिर जाना है, लाल मंदिर में दक्षमती माता जी चंद्रमती माता जी है, उन दोनों में से एक माता जी को कोई गांठ हो गई है पेट में, आपको उनको हीलिंग देने जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप मैं आपको एक नंबर दे दूंगी, आप उनसे संपर्क करिए और हाँ, उनसे टाई अप करके आप माताजी को हीलिंग देके आइए, मैंने आपका नाम बताया उनको। ठीक है, अब मैं ना चंद्रमती दक्षमती माताजी के दर्शन भी करके आई। अच्छा, अभी 4 महीने पहले सौरभ की मम्मी आई थी तो वो हमें लेके गई वहाँ पर, तो हाँ, एक बार मैं दर्शन भी कर चुकी। हाँ, हाँ, आप प्लीज उनकी हीलिंग के पास कोई बुक हो तो धर्मतांबर की उनको दे आना। हाँ जी दीदी ठीक है, मेरे पास लाल मंदिर में है, परसों मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई थी, लेट हो गई थी, लेकिन उनको असाता कर्म का उदय आया है बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है, 40 साल से साधना कर रही है और अब आके ये स्थिति हो गई है कि बहुत परेशान है वो। अच्छा ठीक है ठीक है, परेशान नहीं है, उनके कर्मों की निजरा हो रही है, निजरा हो रही है। हाँ जी, हाँ जी दीदी ठीक है दीदी, लेकिन फिर भी हम उनको उसमें थोड़ी सी साता पहुंचा सके, थोड़ा आराम पहुंचा सके, तो हम भी भाग्यशाली होंगे। बस उनके नियम ना भंग होंगे अभी तुम इतनी साधना के बाद। ठीक है ठीक है, संता जी सेठी। जय जिनेन दीदी। जय जिनेन दीदी, मेरी बेटी को पिछले 20 दिन से ना फीवर आ रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको हीलिंग दे दीजिए। ठीक है, भम बिजाशर और 33 नंबर देना है। हाँ दीपा जी जैन, इनको भी सुन लेते हैं फिर, दीपा जी जैन और सुलोचना जी जैन दोनों को थोड़ा 1 मिनट सुन लेते क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सुलोचना जी। हेलो, जय जिनेन्द्र दीदी, आपका जो देने का तरीका ढंग तरीका देखते रहते, मतलब एकदम मुग्ध हो जाते हैं हम तो, मन कमला एकदम स्थिर हो जाता है। वैसे जिनवानी मुझे अच्छा ही लगता है, महाराज महाराज पंडितों का प्रवचन, लेकिन जो आपकी बोली का तरीका है ना वो एक अलग ही है, सुनते सुनते हम एक और जाते हैं एकदम। और एक दीदी बोल नहीं हुए, वही वही आवाज सुन के बोल नहीं हो रहे आप लोग है। नहीं दीदी नहीं बोर नहीं हो रहे दीदी, बल्कि और हम तो वेट करते हैं, जब नहीं आती है तो बोर हो जाते हैं, जब आपकी आवाज नहीं सुनने को मिलती तो बोर होते हैं हम, बाकी नहीं तो बोर कैसे हो सकते हैं। दीदी बोर कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि बोर कैसे हो सकते हैं दीदी, एक आवाज सुन के नहीं। दीदी पहले मुझे बताया ना आपने
उसमें बायां पैर निकले या दायना पैर निकले पहले? पहले बायां पैर, वो कोई शंका नहीं करता ना, करते समय अपन बायां पैर ही पहले डालते हैं, पहले दायां नहीं डालते। फिर दायना पैर, ठीक, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। दीपा जी बोलिए। हाँ दीदी जी, आज बहुत टेंशन हो रही है मेरे को, आज मैंने आपके सेशन में भी नहीं अटेंड हो पाई। कोई बात नहीं, कल का कर लेना, आज का आप दोपहर में सुन लेना आईवीएस हीलिंग सेंटर पे, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है आज। मेरे बेटे का ना जिसके कैंसर, उसके हाथों में परेशानी है, उसका ऑपरेशन है, उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसको बहुत रिस्क बताया है। दीदी जी आप कुछ करो। मैं बहुत ठीक है, मंत्र पढ़ देते हैं उनके लिए भी, ठीक है, आप हीलिंग दो अच्छे से लिए। हाँ, हीलिंग को अभी कौन बचा, सबका हो गया ना दीदी जी। हाँ, सुमंगला गांधी जी का हाथ हैंड रेज है पर वो चेयर पे नहीं है। चलिए बोलिए, आदिनाथ भगवान की जय। सभी लोग बोलिए, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ओमिंतानम नमो सिद्धानम नमो आदियानम नमो ज्ञानम नमो लोय सप साहनम। ओम आदिनाथाय नमा, 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 ओम आदिनाथाय नमा। 33 नंबर बुखार के लिए पढ़ रहा है बेटा, पहले बताओ बुखार कितना है अभी आपका? 101 अब भी देखा है? अभी तो नहीं, रात में देखा, 5 बजे देखा था लास्ट। अभी देखो बोलना कोई है? अभी देख सकते नहीं था, मम्मी पता नहीं खाऊंगा। चलिए नहीं है तो रहने दीजिए, ध्यान से आप हीलिंग लीजिए, आपको ध्यान से सुनना है, बात नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना किसी से, है ना, और शांति से ओढ़ लीजिए। आप ओढ़ लीजिए, कोई मंत्र पढ़ेंगे तो आपको पसीना निकलेगा, गर्मी भी आएंगी, ठीक है, आप अच्छे से ओढ़ लीजिए और एकदम ध्यान से सोचिए, आपका बुखार बिल्कुल बाहर जा रहा है, आपका शरीर शांत हो रहा है। यदि आजू बाजू गिलास हो, पानी हो तो पानी में उंगली डाल सकते हो, यदि हो तो, ठीक है, और एक आधी सफेद चादर या टावेल हो तो उसको एक गठान बांध के तकिया के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टि रुद्र, गंधोद बिंदु शुभ मंत मरुत्व पाता, दिव्य दिव पतति के वच सांतति वन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। रिद्धि दोनों हाथ सहस्त्र चक्र पे सर पे रख लीजिए। ओम ह्रीं अरम नमो आमो सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आमो सही पत्तानम झोमो झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आमो सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। सोचिए ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनका हाथ स्पर्श होते ही आपका बुखार उतर रहा है, आपके रोग दूर हो रहे हैं, आपके भी पेटों की आते खुल रही है, भिन्न भिन्न हो रही है जो एक में उलझी हुई है, मेडिटेशन से पेटों की आते जो रहती पेट में उलझी हुई आते वो खुलती है,
जो ग्रंथि आपकी उलझ गई है वो खुलती है। आपका जो शरीर गर्म हो रहा है असाता वेदनी कर्म के उदय से आपको बुखार आया है, वो बुखार भी आपका शांत हो रहा है। जल में जो परमाणु विद्युतहारी मुनिराज के है, वो परमाणु आमो सही परमाणु आपके उंगलियों के माध्यम से आपके अंदर जा रहे हैं। वो पवन विद्युतहारी मुनिराज को छूकर आपके अंदर जा रही है, आपके शरीर को ठंडा कर रही है। वो हल्की हल्की पवन, वो हवा रिद्धिधारी मुनिराज को स्पर्श करके उंगलियों के माध्यम से आपके अंदर जा रही है। आप देखोगे वो पवन से आपका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा है। जल विचल बना आपका शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। भम 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचम दशामुपगता शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीघ देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपम। अलिख लीजिए पेट पे, पेट पे उंगली फेर के अलिख लीजिए। दोनों बच्चों के पेट पे भी अलिखना है। सोचिए आपने अलिख लिया, फोटो पे लिख लीजिए। अ का उच्चारण कर लेंगे, अ अ अ अ अ अ अ ओम नमः आरोग्योऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र का अभिनय हुआ हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को सताया हो, मारा हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि हुई हो, टेंशन हुआ हो, मेरे वजह से उनके शरीर में बुखार हुआ हो, मेरे वजह से उनके पेट में तकलीफ हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ तथा भावना भाता हूँ। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, इस प्रकार की भावना भाता हूँ। लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, मुनियों के चरण पादमूल से जाऊंगा। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए अरिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। दोनों हाथ को दर्शन करिए और अपने पूरे शरीर में फेर लीजिए। भावना भाई, आपका बुखार ठीक हो गया, आपकी पेट की आते भी खुल गई है। थोड़े देर से देख लेना बेटा, बुखार देख लेना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को शांत होने में, ठंडा होने में। आप ओढ़ के सो जाइए 10-15 मिनट,
15 मिनट बाद आपका बुखार उतर जाएगा बिल्कुल, पूरा मुंह से ओढ़ के अभी आपको पसीना निकलेगा, ठीक है। चलिए, बोलिए हरिनाथ भगवान की जय, मंगल कर।